आलिया भट्ट ने हाल ही में रिवील किया कि वो डेस्परेट थी राजमौली की फिल्म RRR में काम करने के लिए। इसलिए आलिया जब राजमौली से एयरपोर्ट पर मिली तब आलिया ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो उन्हें उनकी फिल्म में ले ले। आलिया कोई भी रोल करने के लिए तैयार थी। कंगना रनौत की बहन रंगोली ने किया दीपिका पाडुकोण का इंसल्ट, कहा कि लिव लव लव फाउंडेशन में दीपिका के बदले कंगना को होना चाहिए। ये भी कहा कि दीपिका का डिप्रेशन सिर्फ ब्रेकअप की वजह से था। अर्जुन कपूर का फूटा गुस्सा, मीडिया ने घेरा मलाइका अरोरा को फोटोज के लिए, इस बात पर आया बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर को गुस्सा। आलिया भट्ट और टाइगर श्रॉफ आएंगे एक साथ फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में। दोनों का एक सिजलिंग परफॉर्मेंस बहुत जल्द रिलीज करने वाले हैं मेकर्स। कलंक के फेलियर पर बात की आलिया भट्ट ने। क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड्स 2019 के दौरान उन्होंने फिल्म कलंक के बारे में बात की और कहा, एनालाइज तो मैं नहीं करूंगी बिकॉज आई थिंक दैट समथिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है एंड when the audience does not accept a film then the film should not do well, that's just the way it is. Aur hame bas accept karke aage you know try and come back and try and you know make sure they're not disappointed next time. Akshay Kumar aur Katrina Kaif ka hua reunion. Suryavanshi ke team ko join kiya Katrina ne. Akshay Kumar ne kiya actress ka swagat Instagram par post dalkar. Katrina bhi hai behad excited. जैकी श्रॉफ ने की बात टाइगर श्रॉफ की नई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के बारे में और द जवानी सॉन्ग के बारे में भी की बात। सुनिए क्या कहना था उनका। आजकल के कंटेम्प्रेरी जो है उसको जिस तरह से उन्होंने मिलाया है, जो मिश्रण किया है, बहुत प्यारा है। द स्टूडेंट्स नाउडेज दे ऑल द ओल्ड सॉन्ग्स शुड बी नोन टू देम एंड इट्स अ ग्रेट थिंग दैट द सॉन्ग्स आर बीइंग टेकन इन फिल्म्स व्हिच आर कंटेम्प्रेरी एंड नाउ, सो रेट्रो सॉन्ग्स कमिंग इन विल बी नाइस टू नो कि टाइगर को भी मालूम है कि पंचम दा बावा। शाहरुख खान ने की सलमान खान की तारीफ। पीरियड ड्रामा फिल्म भारत के ट्रेलर को देखने के बाद लिखा, क्या बात है, बहुत खूब। फाइनली ऋषि कपूर ने तोड़ी चुप्पी, की बात अपने हेल्थ के बारे में, कहा, लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉकिंग अगेन, आई एम मच बेटर नाउ, मेनी पीपल हैव बीन कॉन्स्टेंटली इंक्वायरिंग, Sanjay Dutt for example has been in touch regularly, actually more than me it is my wife Neetu whom everyone messages about my health. Salman Khan ki much awaited film Bharat ka trailer finally out hua. Is trailer mein Salman ke saath saath Disha Patni aur Katrina Kaif ke role ke bare mein bhi thodi jankari mil jati hai. Trailer dhamakedar hai.